हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। इसमें हमने राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बांटा था। पहला जो भाग था पश्चिमी रेतीला मैदान या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसको हमने दो भागों में बांटा था, रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान। अर्ध शुष्क मैदान को राजस्थान बांगर भी कहा जाता है। इन दोनों के बीच में जो विभाजन रेखा है वह 25 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा है, अर्थात 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के पश्चिमी वाला भाग रेतीला शुष्क मैदान और उससे पूर्व वाला भाग अर्ध शुष्क मैदान अथवा राजस्थान बांगर कहलाता है। रेतीले शुष्क मैदान को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है, मरुस्थली या बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। पहला उप विभाजन देखें, मरुस्थली प्रदेश की बात करें तो यह बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, पश्चिमी नागौर के कुछ भाग और बाड़मेर के दो तिहाई पश्चिमी भाग पर विस्तृत हैं। पश्चिम में और आगे जाने पर यह रेतीली और शुष्क मरुस्थली भाग थार मरुभूमि के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पर विशाल रेत के फैलाव और चट्टानी शिलाएँ पाई जाती हैं। उत्तर पश्चिम में जुरैसिक काल के कुछ ऊंचे उठे हुए भाग, मुख्यतः चूने की पत्थर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और गंगानगर जिलों में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश कच्छ की खाड़ी से पाकिस्तान की सीमा के सहारे पंजाब तक बालुका स्तूपों के आवरण से ढका हुआ है। इस प्रदेश में बालुका स्तूप एक विशिष्ट भूआकृतिक लक्षण है। बालुका स्तूपों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली दो प्रकार के बालुका स्तूपों की बात की, अनुप्रस्थ और अनुद्वैधर्य। अनुद्वैधर्य बालुका स्तूपों को पवनानुवर्ती बालुका स्तूप भी कहते हैं, क्योंकि यह पवनों की दिशा के समांतर बनते हैं। यह मुख्य रूप से दक्षिणी तथा पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में यह अधिकांशतः दृष्टिगोचर होते हैं। बरखान एक प्रकार का और बालुका स्तूप बताया था मैंने, जो कि समकोण रूप से बनता है, पवनों की दिशा के समकोण पर बनता है और शेखावटी या बीकानेर संभाग में पाया जाता है। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप वायु की दिशा के समकोण में बनते हैं, जो मरुस्थली प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी भागों में पाए जाते हैं। दूसरा उपविभाजन बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, जो कि जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र पर, पोकरण तहसील के आधे भाग पर, फलोदी तहसील के पश्चिमी और दक्षिण भागों पर फैला हुआ है। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर चट्टानें इस क्षेत्र में अनावृत हैं। जैसलमेर के उत्तर में तथा पोकरण के दक्षिण में यहाँ रन नाम से पुकारे जाने वाली कई प्लाया जिले पाई जाती हैं। ये था आपका रेतीला शुष्क मैदान। दूसरा भाग था राजस्थान बांगर अथवा अर्ध शुष्क मैदान। अरावली के पश्चिमी किनारे से रेतीला शुष्क मैदान लगभग 75,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इस क्षेत्र के उत्तर में घग्गर नदी का क्षेत्र है, उत्तर पूर्व में शेखावटी क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्वी भाग में लूनी और उसकी सहायक नदियाँ पाई जाती हैं। इसका विस्तार जोधपुर, बाड़मेर जिलों के अधिकांश भाग, पाली, जालोर, सिरोही जिलों के पश्चिम भाग पर स्थित है। मानचित्र में अगर आप देखें तो इसको भी चार भागों में बांटा गया है, लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश, शेखावटी भूभाग या आंतरिक जल प्रवाह का मैदान, नागौरी उच्च भूमि और चौथा है आपका घग्गर का मैदान। पहले देखते हैं लूनी बेसिन या घोड़वार प्रदेश। अजमेर की दक्षिण पश्चिम अरावली श्रेणी से लूनी नदी निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है तथा अरावली के तीव्र उत्तर पश्चिमी ढालों पर बहने वाली कई छोटी छोटी सहायक नदियाँ इसके बाएं किनारे पर आकर मिलती हैं। लूनी और इसकी सहायक नदियाँ जोधपुर जिले के दक्षिण पूर्वी भाग, पाली, जालोर और सिरोही जिलों में बहती हैं। लूनी और इसकी सहायक खारी व जवाई नदियों के दक्षिण की ओर स्थलाकृति यह इंगित करते हैं कि यहाँ की प्रारंभिक जो भू आकृतियाँ थी जलोढ़ थी, परंतु परतदार चट्टानों को वर्तमान में वायु क्रियाओं ने अधिक अपरदित किया है। दक्षिण पश्चिमी हवाओं ने जलोढ़ मैदानों
और पहाड़ी ढालों के विपरीत बालू का जमाव कर दिया गया है। अरावली पर्वतीय श्रृंखला के पदीय और लूनी नदी के बीच का क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ है, लेकिन पश्चिम में और आगे कांपीय दोमट मिट्टी कई स्थानों पर थार की रेतीली मिट्टी में बदल जाती है। दूसरा प्रमुख भाग है शेखावटी भूभाग या आंतरिक जल प्रवाह का मैदान। राजस्थान बांगर प्रदेश में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक लूनी बेसिन के उत्तर में आंतरिक जल प्रवाह का मैदान विस्तृत है। इसकी पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा से निर्धारित है। अरावली श्रेणी इस प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की तरफ फैली है तथा इसको दो भागों में विभाजित करती है। एक तरफ उत्तर में शेखावटी रेतीली मरुस्थली भूभाग है, जबकि दक्षिण की ओर तथा दक्षिण पूर्व में जयपुर के उपजाऊ मैदान हैं। इन दोनों के बीच अरावली श्रेणी प्राकृतिक सीमा बनाती है। शेखावटी भूभाग की स्थलाकृतियों में उबड़ खाबड़ बालू के टीले भी पाए जाते हैं। यहाँ पर पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों का केंद्रीकरण अधिक दिखाई देता है। शेखावटी भूभाग के कस्बों और नगरों के समूह बालू का स्तूपों की संख्या और उसका आकार बढ़ता है। यहाँ बालू का स्तूप मुख्य रूप से बरखान प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर निम्न भूभागों में चूने की पत्थर भी पाए जाते हैं। फलस्वरूप यहाँ कच्चे तथा पक्के कुओं का निर्माण सुविधाजनक होता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में जौहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ एकमात्र मौसमी नदी कांतली है और वह भी चुरू जिले में लुप्त हो जाती है। इस प्रकार यह भूभाग या तो अंतर्वर्ती जल प्रवाह का क्षेत्र है अथवा नदियों से रहित पाया जाता है, अर्थात यहाँ नदी नहीं पाई जाती है। तीसरा उप विभाजन देखें तो वो है नागौरी उच्च प्रदेश। यह प्रदेश दक्षिण पूर्व में अति आर्द्र लूनी बेसिन तथा उत्तर पूर्व में शेखावटी शुष्क अंतर्वर्ती मैदान के बीच पाया जाता है। यहाँ अंतर्वर्ती जल प्रवाह की कमी है, नमकीन झीलें पाई जाती हैं और चट्टानी और पहाड़ी धरातल पाया जाता है। यह प्रदेश बंजर और रेतीला है। पर्वतसर के अलावा कहीं पर भी पहाड़ियाँ यहाँ नहीं पाई जाती हैं। नागौर मंडवा और मेड़ता के समीपवर्ती क्षेत्र बालुका स्तूपों से मुक्त हैं। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर के बीच पाई जाती है। यहाँ कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण नमक की जिले सांबर, डेगाना, कुचामन और डीडवाना हैं। चौथा उपविभाग है घग्गर का मैदान, जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पाया जाता है। घग्गर सरस्वती, चौतांग, सतलज नदियों द्वारा हिमालय पर स्थली के शिवालिक से लाकर जमा की हुई जलोढ़ सामग्री द्वारा यह मैदान निर्मित हो गया है। वर्तमान में नदियाँ विलुप्त हो गई है और जो जलोढ़ मैदान था वह वायु द्वारा लाई गई मिट्टी से ढक गया है। फलस्वरूप यह वर्तमान में एक रेतीला मैदान है, जिसमें कुछ बालू का स्तूप और छोटी बालू की पहाड़ियाँ मिलती हैं। इस प्रदेश में घग्गर नदी के अलावा और कोई नदी नहीं पाई जाती है। राजस्थान में घग्गर नदी का जो पार्ट है उसको नाली के नाम से जाना जाता है, जो कि साफ साफ चिकनी काली व सख्त मिट्टी के रूप में देखा जा सकता है। आज की जो घग्गर नदी है वैदिक साहित्य की बहुचर्चित सरस्वती नदी मानी जाती है। ये आपका पश्चिमी रेतीला मैदान पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे।